सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन करने के लिए यहाँ हमें टाइप करना है CBI नेट बैंकिंग, यहाँ पे www.centralbank.net ये लिंक पे क्लिक कर देंगे, ये नेट बैंकिंग का पेज ओपन हो जाएगा। अभी हम पर्सनल नेट बैंकिंग के लिए लॉगिन कैसे करना है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये देखने वाले, इसलिए ये ब्लू कलर में लॉगिन बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। ये कुछ टिप्स है, इसको रीड कर लेना है एंड देन प्लीज़ क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अभी हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए कोशिश करेंगे या फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसलिए यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑनलाइन पासवर्ड का, उस पर क्लिक कर देना है हमें। यहाँ पे आपका 10 डिजिट का CIF नंबर पुट कर देना है। CIF नंबर अगर आपको पता नहीं है उसको कैसे ढूंढा जाता है, उसका वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप CIF रिसीव कर सकते हैं या आपको वहाँ से मिल जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे KYC प्लस अकाउंट नंबर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे हम। ID प्रूफ में लास्ट एक ऑप्शन मिलेगा आपको आधार नंबर, इसको सेलेक्ट करके यहाँ आपका ID नंबर डालना है और अकाउंट नंबर डाल के जस्ट सबमिट कर देंगे हम। सबमिट करने के बाद ये आपका नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है और मोबाइल नंबर जैसे यहाँ पे लिखा है +91 और आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिख देना है एंड जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एक मैसेज दिखाई देगा कि आपका लॉगिन पासवर्ड जनरेट हो चुका है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे सेंड हो चुका है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे अभी हमें यूज़र आईडी मतलब हमारा जो CIF नंबर है वही पुट कर देना है और अभी जो मैसेज में हमें OTP आया है यहाँ पे हम पुट कर देंगे एंड देन ये जो कोड नंबर है ये पुट कर देंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे पढ़ के ये बॉक्स को टिक करना है और एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद ये हेयर पे क्लिक कर देंगे। करंट पासवर्ड में अभी जो हमें मैसेज के द्वारा एक OTP आया था वो हमें पुट कर देना है और आपका न्यू पासवर्ड यहाँ पे सेट करके फिर से उसको री एंटर करके कन्फर्म करना है। हम अभी पासवर्ड सेट करके सबमिट कर देंगे इसे, अब इसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे हम। नेट बैंकिंग हमारा लॉगिन हो चुका है, अब यहाँ पे हमें एक ट्रांजिशन पासवर्ड या फिर TPIN जैसे कहते हैं हम वो सेट करना है। उसके लिए यहाँ मेनू में जाने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा आपको, उसमें लास्ट में ट्रांजिशन पासवर्ड जनरेशन इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पे आपका +91 लगा के पूरा मोबाइल नंबर पुट कर देंगे और जनरेट बटन पे क्लिक कर देंगे। जनरेट करने के बाद OTP आपको वाई SMS आ जाएगा, सबमिट कर देंगे क्लिक करने के बाद। यहाँ पे ट्रांजिशन OTP और एक नया OTP आएगा, वो OTP डालना है, पहले वाला नहीं देना है इसे, और आपका ट्रांजिशन पासवर्ड यहाँ पे सेट कर देना है एंड देन सबमिट कर देंगे हम। यहाँ पे हमें एक मैसेज आया है कि आपका ट्रांजिशन पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।